तमाम दोस्तों की खिदमत में आचार्य मनोज कुमार का नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सभी ठीक ठाक हैं। आज मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको वो सिंगरफ का कुस्ता है, यानी सिंगरफ की बसम है। खुराकी सिंगरफ की बसम किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से खानी है, ये सब चीज़ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप एक चीज़ पे गौर करें कि जो भी व्यक्ति सिंगरप का कुस्ता खाएगा, सबसे पहले उसके अगर शरीर में गर्मी है या उसका पेट ठीक तरीके से साफ़ नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले मरीज़ का पेट साफ़ करना ज़रूरी है। बाज़ लोग मैंने देखे हैं, ऐसे वेद हकीम देखे हैं, कुस्ते इतने बड़े बड़े बताते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतने बड़े बड़े कुस्ते बनाते हैं, कुस्ता हड़ताल, कुस्ता संख्या, कुस्ता पारा, मगर ऐसे काफ़ी मरीज़ जिनको मैंने दवाइयाँ बना के भेजी है और वो पहले बोलते हैं सर हमने यहाँ से दवाई ली है, वहाँ से दवाई ली है और फ़र्क नहीं पड़ा। तो सबसे पहले मरीज़ का पेट ठीक करें। जब मरीज़ का पेट ठीक होगा तो अपने आप ही उसका सेक्स बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो जाएगा। चाहे उसको फिर दांत जाती हो, चाहे फिर उसका सेक्स में मन नहीं लगता हो, चाहे फिर उसको रुकावट ठीक तरीके से नहीं हो रही हो, चाहे उसके लिंग में उत्तेजना नहीं हो, इन सभी तरह की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पेट है। तो सबसे पहले पेट को ठीक करें। ये सिंगरफ का कुस्ता बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से बनाना है और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलाकर आपको इसको यूज़ करना है। सर्दी के लिए बेहतरीन चीज़ है मेरी नज़र में, इससे नीचे नीचे कुस्ता सिंगरफ होता है। बनाने की जो तरकीब है मैं उस जगह पे वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि जगह कम होने के कारण और धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो वीडियो नहीं बना सकता मैं। ये सिंगरफ का कुस्ता है, इसमें लौंग मिलाया हुआ है, ठीक है, लौंग पीस कर लौंग मिलाया है, 1 तोला सिंगरफ है और 2 तोला इसमें लौंग है, ठीक है। सिंगरफ का कुस्ता आपको बनाना किस तरीके से है कि 5 तोला सिंगरफ की आपको डली डली ले लेनी है। ये डलियाँ अच्छी तरीके से आप किसी लोहे की कढ़ाई में इनको रखें और इसके अंदर आप आधा किलो गाय का घी डाल दें। जब आप आधा किलो घी डाल दें तो उसके अंदर 300 ग्राम काले तिल आप डाल दें, 1 किलो आप लहसुन का रस उसके अंदर डाल दें, ठीक है जी, और इसको अंदर सरसों का तेल वो भी साथ में डाल दें क्योंकि बाज़ लोग बाद में डाला करते हैं, पर आप लोगों को साथ ही डाल देना है। 10 से 15 बिलावे कूट कर इसी के अंदर डाल देने हैं। धीरे धीरे इसको आग पे रखना है। ये कोई भी व्यक्ति अपने घर में ना करें क्योंकि बिलावा बहुत ही खतरनाक जहर होता है, तो इसको जहाँ भी करें वहाँ खुली जगह होनी चाहिए। धीरे धीरे इसके नीचे आग जलाएं, ये करीब 1 घंटे बाद में ऊपर आग अपने आप आग लग जाएगी। आग लगेगी तो सब चीज़ें जल के कोयला बन जाएगी, आपकी सिंगरफ जो होगी वो नीचे बिल्कुल एकदम तैयार सिंगरफ होगी। उस सिंगरफ को साफ़ करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से साफ़ करके आपने 1 तोला वो सिंगरफ लेनी है, 2 तोला उसमें लौंग मिलाना है, जो अच्छी तरीके से, और जो सर्दियों के लिए बाज़ लोग सिंगरफ केवल अकेले इस्तेमाल करते हैं तो सिंगरफ को अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो 1 तोला सिंगरफ, 2 तोला लौंग, 1 तोला आपको ये क्या बोलते हैं लोबान, ये लोबान का सत्त है, ठीक है, ये आप बाजू से देखें, 1 तोला सत्त लोबान, 1 तोला चीनी, चीनी का बुरादा किया हुआ, 1 तोला अजवाइन खुरासानी, 1 तोला समुंदर सोत, समुंदर सोख जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको एक एक तोला लेनी है, लौंग 2 तोला लेना है,
ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको करीब करीब 4 घंटे तक अच्छी तरीके से खरल करें। खरल करके 500 mg का कैप्सूल भरें। शरीर की कैसी भी थकावट होगी वो सब दूर होगी। सेक्स के लिए जिसका मन नहीं लगता है वो सेक्स में मन भी लगेगा, लिंग में तनाव भी आएगा और पेट की गर्मी भी शांत होगी। इसमें वो सब चीज़ें हैं, अगर कोई वैद्य हकीम इस चीज़ को समझेगा तो उसके बिल्कुल समझ में आएगी कि इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी किसी भी मरीज़ को अगर हम दवाई देते हैं तो सबसे पहले उसका पेट ठीक करना ज़रूरी है। और एक मेरी पर्सनल आप सभी भाइयों से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल ना करने के बजाय मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। व्हाट्सएप पे मेरे पास करीब 500-700 मैसेज आते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबका जवाब देता हूँ, मगर कॉल करीब करीब पर डे 300 से ज़्यादा कॉल आती है तो कॉल नहीं पिक कर पाते हैं। कई कई बंदे ऐसे हैं कि 20-20 बार लगातार कॉल करते हैं, तो उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ना कि आप डायरेक्टली कॉल करें, क्योंकि मुझे भी अपने मरीज़ इधर देखने होते हैं। और ये चीज़ आप घर पे भी बना सकते हैं और बनी बनाई भी मंगवा सकते हैं। जी, नमो नारायण।